हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब स्टडी। आज मैं आप सभी को कैन के प्रयोग के बारे में बताना चाहूंगा। एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द यूज ऑफ कैन। एट फर्स्ट आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट कैन इज यूज्ड फॉर पावर, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी एंड नेचर। आई रिपीट इन हिंदी, पावर मीन्स शक्ति, ताकत, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, परमिशन मीन्स आज्ञा, एबिलिटी मीन्स योग्यता, नेचर मीन्स स्वभाव। कैन का प्रयोग इन पांच चीजों के लिए किया जाता है। मैं आपको इसके सिंबल के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप ट्रांसलेशन के माध्यम से इस प्रयोग को सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ले चलता हूं आगे की ओर। सिंबल, सिंबल मीन्स पहचान या प्रतीक। अगर हम कोई पूछ ले आपसे कि कैन की पहचान क्या है तो आपको बताना पड़ेगा द सिंबल ऑफ कैन इज सकता है, सकती है, सकते हैं। बहुत से बच्चों से अगर आप पूछते हैं तो वो आपको बताएंगे सका, सकी, सके, बट इट इज नॉट राइट, इट इज 100% रॉन्ग। मैं बताना चाहता हूं कि कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। ये हमेशा प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग किया जाता है। ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं, या कि स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे हम छत पे जाने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेते हैं, उसी तरह से किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ता है। एंड दीस आर द स्ट्रक्चर्स। नाउ मैं आपको बताना चाहूंगा, एस मींस सब्जेक्ट, कैन मींस सकता है, सकती है, सकते हैं, वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओ मींस ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड अफर्मेटिव। नाउ नेक्स्ट, एस सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, इट इज नेगेटिव। Can plus subject plus V1 plus object plus, this is called interrogative. Can plus subject plus not plus V1 plus object, this is called interrogative with negative. कहने का मतलब यह है कि affirmative means होता है साधारण, जवाब देने के लिए। Negative का मतलब होता है नकारात्मक, आप नकारात्मक, आप नहीं में जब जवाब देते हैं तो हम negative structure का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उस समय हमें इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग करना पड़ता है। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं परंतु नहीं में पूछना हो तब हम इंटरोगेटिव विद नेगेटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। वेल फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कैन के प्रयोग के बारे में मैंने कुछ डेफिनेशंस दी, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। कैन इज यूज्ड फॉर पावर, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी एंड नेचर। अब मैं आपको इसके एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि अगर हमको पावर का प्रयोग करना है तो कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस के माध्यम से आपको सही जानकारी हो जाएगी कि इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है। आई कैन ब्रेक दिस वॉल, आई कैन ब्रेक दिस वॉल, मैं इस दीवार को तोड़ सकता हूँ। आपने ये बात तब कही जब आपको आपके अंदर शक्ति है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं इस दीवार को तोड़ सकता हूँ, इसलिए आपने इसका प्रयोग किया। इसका मतलब बनेगा पावर। इट कैन, नेक्स्ट है It can rain today. आज वर्षा हो सकती है। इस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि ये संभावना व्यक्त कर रहा है। क्या व्यक्त कर रहा है? संभावना means possibility. मान लीजिए वह आ सकता है। He can come at any time. यहाँ भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। जैसे हम जब किसी से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने के लिए जैसे कि Can I talk to you? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? यहाँ पे हम इस सेंटेंस के माध्यम से ये पता चलता है कि हम उससे आज्ञा ले रहे हैं, हम उससे परमिशन ले रहे हैं। अगला है, I can read this letter. मैं इस पत्र को पढ़ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी योग्यता को दिखाया जा रहा है। इस सेंटेंस के माध्यम से हम ये समझ पा रहे हैं कि इसमें आपकी योग्यता, एबिलिटी शो हो रही है। अगला है, He can tell a lie at any time. वह किसी भी समय झूठ बोल सकता है। इस सेंटेंस के माध्यम से ये प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है कि वो कभी भी कहीं भी झूठ बोल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पावर, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी एंड नेचर, देयर आर फाइव फंडामेंटल रूल्स ऑफ कैन। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल दीज रूल्स इजिली, यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। अब मैं आपको ट्रांसलेशन के माध्यम से, इंस्ट्रक्चर के माध्यम से इस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है
स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है, मतलब साधारण वाक्य के लिए। अगर आपको इतने बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेशन करना है तो आपको इस स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ेगा। जब भी हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसके फॉर्मूला पे लेते हैं, हमारे इंग्लिश में इनको बोलते हैं स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्स। हम इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से इनको ट्रांसलेट करते हैं। जैसा कि इसमें सेंटेंस में लिखा हुआ है, मैं प्रभावशाली अंग्रेजी सीख सकता हूँ, अफर्मेटिव है, साधारण जवाब है। अब हमें इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको ट्रांसलेट करना है, तो कैसे ट्रांसलेट करते हैं? जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें लेना है सब्जेक्ट, एस मीन सब्जेक्ट। इस वाक्य में जो कार्य कर रहा हो व्यक्ति वही आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ है? देखिए कैन लिखा हुआ है। कैन मीन्स क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद है कैन। कैन के बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों? लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इसमें से सर्च करना है। सबसे आसान तरीका, सबसे इजी तरीका ये है कि सकता, सकता हूं, सकते हैं के पहले जो शब्द आ रहा हो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। सबसे आसान तरीका है वर्ब को पहचानने के लिए। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई वी वर्ब मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सी, इसमें वर्ब है फर्स्ट फॉर्म सीख। सीख मींस सीखना। तो सीख इंग्लिश क्या होती है? लर्न। लर्न मींस सीखना। अब बचा क्या? वर्ब के बाद बचा ऑब्जेक्ट। अब आप बताइए क्या सीखेंगे आप इसमें? तो आप सीखेंगे प्रभावशाली अंग्रेजी। जो बच गया, जो वर्ब के बाद जो बच गया वो आपका ऑब्जेक्ट में चला गया। मींस प्रभावशाली इंग्लिश की इंग्लिश क्या होती है? यहां पे देखिए दोस्तों, मैंने लिखा हुआ है इफेक्टिव इंग्लिश। ये आपका आई कैन लर्न इफेक्टिव इंग्लिश। अब देखिए इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से, बिना इसके स्ट्रक्चर के आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही ये आपकी सीढ़ियां हैं, ये आपको पूरी मदद करती हैं कि आपको कैसे किसी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आ चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। वह किताब पढ़कर सुना सकता है। एक होता है पढ़ना, एक होता है पढ़कर सुनाना, दोनों अलग अलग बातें हैं। हम लेते हैं इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से। सब्जेक्ट कौन है इसमें दोस्तों? सब्जेक्ट है वह। कौन क्या कर रहा है? वह। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? यस, वह की इंग्लिश होती है ई। अब देखिए दोस्तों, आपने ई लिया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या बचा? कैन। आपने रूल के मुताबिक कैन यूज कर दिया। After that, आपने उसको, अब आपको लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। Now come to the point दोस्तों, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पहचानने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि सत्ता के पहले जो शब्द लिखा होगा, सत्ता के पहले शब्द क्या लिखा हुआ है? सुना, मतलब सुनना, मतलब पढ़कर सुनाना। मैंने आपको बताया था ना, पढ़ना और पढ़कर सुनाना दोनों अलग अलग वर्ड है। तो पढ़कर सुनाना एक, दिस इज ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आपकी वर्ब ही वन है। तो अब पढ़कर सुनाने की इंग्लिश क्या होती है? रीड, रीड आउट, या रीड आउट भी होता है पढ़कर सुनाना। उसके बाद बचा क्या? क्या पढ़कर सुनाओगे? ये आपका हो गया, क्या पढ़ोगे? किताब पढ़ोगे, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो किताब की इंग्लिश क्या होती है? ही कैन रीड आउट अ बुक। इट मींस ये आपका ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर के माध्यम से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड मींस आई नीड टू से दैट, जब आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरा आपका जो वाक्य है उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। एट फर्स्ट यू हैव टू टेक द सब्जेक्ट, यू हैव टू टेक द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? यू। यू मींस तुम। तुम क्या है यहां पे? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है आपको? कैन। उसके बाद आपको क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको इसमें नहीं देखना है, आपको ध्यान देना है यहां पर। अब कैन के बाद क्या लिखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें वर्ब कहां है। तो देखिए दोस्तों कि आपको करना क्या है, सत्ता के पहले वाला जो शब्द लिखा होगा वही आपकी मेन वर्ब होगी, जिसे हम कुछ लोग बोलते हैं एमवी। एमवी मींस मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, जिसे आप हिंदी बोलते हैं मुख्य क्रिया। तो आपका जो मुख्य क्रिया है वर्ब है इसमें रहना। रह मींस रहना, तो रहने की इंग्लिश क्या होती है?
Yes, leave. You can leave. रह सकते हो परंतु किसके बिना? Yes, मेरे बिना. यही आपका ऑब्जेक्ट हो गया. आपने आसानी से इसको पहचान लिया, ऑब्जेक्ट बच गया. तो मेरे बिना की इंग्लिश क्या होगी? मेरे बिना, विदाउट मी. अब देखिए बात बताना चाहता हूं, विदाउट का मतलब होता है के बिना. विदाउट मीन्स के बिना. और अब बचा ऑब्जेक्ट, ये देखिए विदाउट मी मीन्स मेरे बिना. तो यात्रा सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होता है. विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो तो हमेशा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलें. I'm sure you will be able to write, you will be able to speak, and you will be able to convert any sentence into English. अगर आपको बेहतर अंग्रेजी बोलनी है, बेहतर अंग्रेजी सीखनी है, तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें. पर ध्यान रहे इस बात को, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से सीक्वेंस में बाय सीक्वेंस सीखते जाएंगे तो आप जल्दी ही प्रभावशाली अंग्रेजी सीख लेंगे. क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ यू वांट टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन योर लाइफ डोंट स्टॉप लर्निंग. इफ यू वांट टू रियली स्पीक इंग्लिश बेटर इन योर लाइफ यू विल हैव टू फॉलो द रूल्स एंड द स्ट्रक्चर वेरी इजीली. इट्स वेरी इजीएस्ट वे. दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे टू स्पीक टू लर्न बेटर इंग्लिश. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.